तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फोर। ये काफी मजेदार है। देखिए अगर आप इस पूरा का पूरा जो हम यहाँ पे डेटा लिखे हैं अगर इसको आप समझ चुके हैं तो देखिए आपको थ्री लेसन में 1% डाउट नहीं रहेगा। और डाउट को दिमाग से आउट हो जाएगा कब, जब आपको ये डेटा इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी होगा। देखिए ये जितना डेटा दिया गया है दो ही तरीका से होता है, आपको दो इस इक्वेशन में मतलब कि हमेशा थ्री लेसन में दो ठो समीकरण दिया रहेगा, इक्वेशन दो ठो दिया रहेगा, हमेशा जोड़ा में ही दिया रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। और जब जोड़ा में दिया रहेगा तो दो इक्वेशन से दो ठो लाइन खींचा जाता है, यानी देखिए एक नंबर क्वेश्चन में एक इक्वेशन ये है और दूसरा ये है, यानी कि एक क्वेश्चन में दो ठो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। फिर इसमें भी दो दिया गया, तो एक ग्राफ को बनाने के बाद एक लाइन प्राप्त होता है, फिर इसको बनाने के बाद एक लाइन प्राप्त होता है। अब ये दोनों लाइन रहेगा कैसे, अगर एक दूसरे को काटेगा, यानी देखिए काट रहा है एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। अगर नहीं काटेगा, दोनों सामने ट्रेन का पटरी देखे हैं एकदम सामने सामने होता है, ये कहीं जाके नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि ट्रेन का पटरी जाके ऐसे मिल जाता है, ऐसा मिलेगा तो ट्रेन का क्या कंडीशन रहेगा, ऐसा चलेगा ही नहीं, ट्रेन यहां पर पटरी पर से यहां पर उतर जाएगी। तो देखिए जब यहां पर दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी, यानी इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। जब दो लाइन सामने होगा पैरेलल होगा, ठीक है, ट्रेन के पटरी जैसा होगा, समांतर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको असंगत बोलते हैं। ये बताते हैं संगत असंगत क्या होता है। अगर दो लाइन एक के ऊपर एक चढ़ा रहेगा, ठीक है, एक लाइन हो गया फिर इसी के ऊपर एक और लाइन है, दो ठो लाइन है एक के ऊपर है, तो वो संपाती होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉन्सिडेंट बोला जाता है उसको, ये याद रखिएगा। अब यहाँ हम समझते हैं संगत और असंगत, ये सब जो दिया है ये होता क्या है। संगत माने होता है एक साथ, नहीं बोलते हैं कि मेरा संगत उससे था, ऐसा लोग बोलते हैं ना, तो संगत माने एक साथ। तो बताइए ये जो दोनों लाइन है कहीं ना कहीं एक साथ है कि नहीं, एक बार है यहाँ पे एक साथ तो ये संगत होगा, ये वाला लाइन कहीं एक साथ मिलेगा, समानांतर लाइन कभी एक साथ कभी साथ में हो सकता है, नहीं, तो जो साथे में नहीं होगा उसको संगत बोलने से क्या फायदा है, ठीक है, तो वो संगत से संगत हो गया, ठीक है, तो ये साथे में नहीं, इसे असंगत बोलते हैं। आ ये लाइन तो शुरू से साथे में है, एक लाइन पर एक लाइन अगर ऊपर है इसका मतलब हुआ यानी कि एक लाइन ये तो हमेशा साथे में रह रहा है दोनों, ठीक है, तो इसको भी संगत बोलते हैं, ठीक है। संगत बोले तो यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और असंगत को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि ये वाला हो जाएगा एक के ऊपर एक लाइन रहेगा तो उसे संगत बोलते हैं। तो संगत और असंगत आप समझ चुके होंगे कि ये आखिर होता क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये क्या होता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट यानी और इनकॉन्सिस्टेंस, इफ द कंसिस्टेंस अगर वो संगत है, कंसिस्टेंस मतलब होता है संगत, माने अगर लाइन एक के साथ है कहीं ना कहीं है, इसका मतलब होता है असंगत। अगर कहीं पे लाइन एक ही कंडीशन में बाबू असंगत होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कब, जब ए वन बटे ए टू बी वन बटे ये तो दोनों बराबर होता है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो लाइन क्या हो जाता है, असंगत, वो कभी साथ में नहीं रह पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सब आपस में बराबर है और ये वाला में पहला दूसरा भले बराबर नहीं हो, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में होता है संगत और ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, मतलब एक कंडीशन में होता है असंगत, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने। तो देखिए कह रहा है कि अगर ये संगत है, कह रहा है कि निम्नलिखित में जो भी प्रश्न दिया गया है संगत और असंगत आपको बताना है उस समीकरण में, रैखिक समीकरण में संगत और असंगत को आप देखिए, अगर वो संगत है, ठीक है, तो उसका क्या कीजिए, ग्राफ खींचिए, ग्राफीय विधि द्वारा उसका सॉल्व, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले चेक कर ले संगत के लिए, पहले बताइए ए वन ए टू मानेंगे, ए वन ए वन ए टू इसी के जरिए हम लोग पूरा नहीं बनाएंगे, इसी के जरिए बनाएंगे, ठीक है। ए वन बट्टा ए टू, ए वन कितना है, पहला वाला ए वन, तो लो भाई ए वन मतलब होता है कि एक्स के साइड में ए होता है, वाई के साइड में बी होता है और ये वाला नंबर सी होता है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है तो ए बराबर हो जाएगा एक, ठीक है, ए वन एक हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी हो जाएगा तो बी वन भी आपका एक और सी वन आपका पाँच, इधर ला के कीजिएगा तो माइनस पाँच। यहाँ देखिए दो, ये समीकरण ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण में कंडीशन क्या है, दोनों में दो कॉमन मिल रहा है, दो बाहर निकाल लीजिएगा, जब दो बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इसमें से दो बाहर निकला तो एक्स बचा और इसमें से दो बाहर निकला तो वाई बचा, बराबर दस, दो पच्चीस दस, एक्स प्लस वाई बराबर पाँच। ये क्या हुआ, ये वाला समीकरण और ये तो दोनों सेम है, तो जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसका जैसा लाइन होगा सेम टू सेम, इसका भी तो वैसे ही लाइन होगा क्योंकि ये दोनों तो सेम है,
तो दोनों जब सेम है इसका मतलब वो संपाति है, यानी संपाति क्या होता है, संगत होता है। अगर वो संगत होता है तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से भी संगत है। आप देख सकते हैं यहाँ ए टू बराबर भी वन, बी टू बराबर भी वन और सी टू बराबर भी फाइव, यहाँ पे सेम हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए वन बट्टा ए टू, डायरेक्टे लिखिए वन बट्टा वन बराबर वन बट्टा वन बराबर पाँच बट्टा पाँच, पाँच से पाँच कट जाएगा एक, वन बट्टा वन बराबर वन बट्टा वन बराबर वन बट्टा वन। ये आपस में क्या हुआ, ये आपस में यहाँ पे समपाती हुआ, समपाती हुआ और संगत भी हुआ। यहाँ लिखिएगा ठीक है, यह समपाती और संगत दोनों है। अब इसका ग्राफीय ग्राफिकल यानी भी यहाँ पे हम ग्राफीय विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफ पर, फिर दूसरे इक्वेशन को, तो दोनों तो सेम ग्राफ आएगा। आइए एक ग्राफ भी हम बना के देख लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये अगर समझ में आया हो तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं डायरेक्टली ऐसे, आप ग्राफ के कॉपी में खींचिएगा ठीक है। यहाँ देखिए तो आप ध्यान से एक दो भर लें, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ भी भर लीजिए एक दो तीन चार पाँच, ये वाला ऊपर थोड़ा सा लिख दीजिए छः। इसको वाई बोलते हैं, ये माइनस में वाई होता है, ये एक्स माइनस में होता है। बहुत लोग इसे एडा एक्स डैश भी बोलते हैं, तो आप भी बोल सकते हैं ये एक्स होता है। दो तो समीकरण क्या है आपका, पहला समीकरण है एक्स प्लस फाइव बराबर एक प्लस वाई बराबर फाइव। अब अपने से कोई मान भरिए, हम लोग तो शुरू से ही जीरो भर रहे हैं ना जी, ताकि आसान हो जाए। x का मान जीरो भरिए, जब x का मान यहाँ जीरो भरिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिला, सिर्फ y बराबर पाँच मिला ठीक है। अब y बराबर जीरो भरी, x प्लस वाई बराबर पाँच, इक्वेशन यही है ठीक है। y समीकरण एक से बना रहे हैं, ये यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण एक से। अब y बराबर जब जीरो भरिएगा ठीक है, तो यहाँ जब y आपका जीरो होगा तो x क्या बचेगा, x बराबर पाँच बच रहा है, सिंपल x बराबर क्या हो जाएगा पाँच, यानी वाई बराबर अगर जीरो भरते हैं तो x बराबर पाँच बचेगा। जिस तरह ये समीकरण है सेम टू सेम कॉमन लेने के बाद ये भी तो समीकरण वही हो जाएगा, तो इसका भी डब्बा सेम होगा, ऐसे होगा x होगा y होगा। जब आप इसका मान जीरो भरिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा ठीक है। और ये जब जीरो भरिएगा तो ये भी फाइव हो जाएगा, दोनों तो सेम होगा क्योंकि समीकरण दोनों क्या है, सेम है। अब भरिए ना x बराबर जीरो, यहाँ जीरो कमा जीरो दोनों होता है, x बराबर जीरो वाई बराबर पाँच ठीक है। और एक बार x बराबर पाँच तो y बराबर जीरो, इसको मिला दीजिए ठीक है, ये मिल गया आपका। फिर वही बात है सेम टू सेम, x बराबर जीरो y बराबर पाँच, x बराबर पाँच तो दूसरा लाइन भी इसी पर हुआ। तो जब बाबू दूसरा लाइन इसी पर हुआ तो इस लाइन को तो हम लोग बोलते हैं समपाती, और समपाती लाइन क्या होता है, वो संगत होता है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ग्राफ भी आपका हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा। आपको लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ पे पाँच कमा जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो कमा पाँच, आपका हो गया ग्राफ। तो ये भी आपको समझ में आएगा। इस यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट, यानी संगत है या असंगत है। उसके लिए क्या दो ही कंडीशन होता है, अगर वो प्रतिच्छेदी होगा यानी कि ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू के बराबर नहीं होगा तो भी ये संगत होगा, और दूसरा कंडीशन कि अगर सब बराबर होगा तो संगत होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए वन क्या है, वन, ए टू क्या है, थ्री है, बी वन क्या है, माइनस वन, बी टू क्या है, यहाँ पे माइनस में थ्री है, सी वन क्या है, सी वन है आठ, और सी टू क्या है, सिक्सटीन है ठीक है। यहाँ देखिए तो माइनस से माइनस आपका ये कट जाएगा ठीक है, ये आठ दूना सोलह हो जाएगा, एक बट्टा तीन यहाँ बचा एक बट्टा तीन, ये वाला दोनों बराबर है लेकिन एक बट्टा दो ये बचा, ये वाला बराबर नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ पे ये संगत कहाँ है, पहला वाला ही बराबर नहीं है, जबकि संगत का रूल होता है कि अगर पहला वाला बराबर नहीं है ठीक है तो संगत होगा, आ नहीं तो सब बराबर होना चाहिए। यहाँ तो दूसरा वाला बराबर हो गया, इस हिसाब से ये असंगत हो गया, क्या हो गया, ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, यानी कि असंगत हो गया। या जबकि क्वेश्चन में बोला है कि अगर संगत है तो इसका सोल्यूशन ग्राफीय विधि द्वारा करना है, तो हम इसका ग्राफीय विधि द्वारा क्यों करें जब यहाँ पे ये असंगत हो गया, संगत रहता तो कर सकते थे, लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। आप ग्राफ खींचिएगा और ग्राफ खींचने के बाद एक्स का वैल्यू जीरो भरिएगा, वाई का वैल्यू कुछ निकलेगा, वाई का भरिएगा तो एक्स का निकलेगा, फिर यहाँ पे एक्स का कुछ भरिएगा तो वाई का निकलेगा, और वाई का भरिएगा तो एक्स का निकलेगा, और इस हिसाब से इसको ग्राफीय विधि द्वारा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो
यहां तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये असंगत है, तो असंगत है यहां पे बोला है, अगर संगत है तो इससे ग्राफीय विधि द्वारा यहां पे क्या करेंगे, ऑब्टेन द सॉल्यूशन, क्या होगा, सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ विधि द्वारा। तो ये आप इसका ग्राफ बना लेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम लोग इसके बाद 3 नंबर इसी का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इसी का हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले चेक क्या करेंगे, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, यानी संगत है या नहीं है, उसके लिए कंडीशन यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए A1 बराबर क्या है, A1 बट्टा A2 है क्या, A1 है 2 और A2 क्या है 4 है। यहाँ देखिए B1 क्या है, B1 है 1 और B2 यहाँ पे लिए B1 बट्टा B2, B1 कितना है, B1 1 हो जाएगा, B2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद वैसे ही यहाँ C1 देखिए, C1 बट्टा C2, C1 यानी 3 नंबर वाला, ये C1 माइनस 6 और C2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका C2 हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ अगर इसको कटाना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 2 3 6 और 2 2 4 माइनस में कट जाएगा। यहाँ समझिएगा, ये आया है 1/2, ये आया है 1/-2, ठीक है, और यहाँ पे आया है आपका 3/8। यहाँ पहला वाला ही बराबर नहीं है, तो जब अगर पहला वाला बराबर नहीं है इसका मतलब उसका एक ठो हल होगा, यानी कि वह प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग व प्रतिच्छेदी है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा, यानी कि इसलिए यह क्या होगा, संगत होगा। अगर संगत है इसलिए यह संगत है, तो क्या कीजिए, अगर यहाँ संगत है तो इसे क्या कीजिए, ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व कर लीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग उधर ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि ये संगत है, तो ग्राफ बनाने में कौन सा लेट है, ऐसे खींचेंगे हम लोग डायरेक्ट, आप लोग ग्राफ के कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, ठीक है। पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन पहला क्या है, इसको भी आप मिटा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला इक्वेशन हमारे पास है 2x+y, सबसे पहले 2x+y, ये माइनस में 6 से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपको बताए थे कि बराबर को जंप करेगा तो उसका नक्शा बदल जाता है, आप भी किसी चीज़ को जंप कीजिएगा, गलती से पैर में लग गया तो नक्शा बदल ही जाता है, वैसे ही ये भी होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस में था, इधर जंप किया, बराबर को फान करके गया तो ये प्लस में 6 हो गया, प्लस नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x=0 भरेंगे, अपने से कुछ भी भर सकते हैं। तो जब हम x=0 भरेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, जब 0 से गुणा करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 से किसी भी अंक में गुणा करो 0, खाली y=6 बचा। हमको जो चीज़ मिलेगा एक ठो बॉक्स में इकट्ठा करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। x हो गया, y हो गया, जब हम x=0 रखे थे तो y=6 मिला था, सिंपल। अब एक काम करते हैं, सेकेंड नंबर इसी में भरते हैं। अब देखिए कम से कम 2 बार वैल्यू निकल जाता है तो ग्राफ खींचने में आसान हो जाता है, एक बार में समझ में नहीं आता है। उसके बाद से फिर समीकरण वही है, समीकरण यहाँ पे 2x+y=6। अब y=1/0 भरे, तो जब y=0 भरेंगे तो यहाँ 6, यहाँ बचेगा 2x=6, 2 3 6, x=1 क्या हो जाएगा, x= आ गया आपका 3, x=3 आया। एक ठो समीकरण को 2 बार बनाएं, एक बार यहाँ पे बनाएं और एक बार यहाँ पे बनाएं, दोनों बार बनाएं, अपने से वैल्यू, एक बार x=0 भरे तो y का मान निकला, एक बार y=0 भरे तो x का मान निकला, समीकरण 1 से ये सब घटना घटा है। अब हम समीकरण 2 से चलते हैं, किससे, समीकरण 2 से भी इकट्ठा करें। अब बताइए एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, एगो समीकरण को हल करने के बाद एगो लाइन मिलता है, इस सबको जब इस पर हम लोग शो करेंगे ना, बनाएंगे तो इससे एक ही ठो लाइन खिंचाएगा, और ये बनाएंगे ना ये वाला समीकरण, ये वाला, ये 2 नंबर, तो इससे ये तो 2 नंबर क्वेश्चन है अलग हो गया, इसको हम लोग अगर बनाएंगे तो इससे एक अलग लाइन मिलेगा। समीकरण 2 ये यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, ये तो क्वेश्चन ही अलग है, 4 नंबर क्वेश्चन है। समीकरण 2 से यहाँ हो जाएगा 4x-2y और ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है। x का मान एक बार 0 भरिए आप, जब x=0 भरिएगा तो 4×0−2y=4, ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा −2y=4, यहाँ 2×2=4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि −y=, क्या आया, 2 आया, तो डायरेक्ट हम y=, इधर माइनस लिखते हैं, −2 लिखते हैं, ठीक है, डब्बा बनाते हैं ताकि काम आएगा हमको,
ठीक है, इसके लिए कलेक्ट करना है ना, तो x बराबर हम 0 रखे तो y बराबर माइनस 2 मिला। अब फिर एक बार 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बार y बराबर 0 हम भर के देखते हैं, ठीक है, ये दूसरा है, y बराबर जब 0 भरेंगे तो 4x यहाँ पे आपका 4 है, माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा गुणा करेंगे तो 0 होगा, यानी 4x बराबर 4, 4 वन जा 4, x बराबर 1 बचा, ठीक है। जब y का मान 0 भरे तो x का मान 1 बचा। यही आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन था। इसको ग्राफीय विधि द्वारा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये क्या था, संगत था, आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ लिखते हैं 6, फिर ये भी 1, 2, 3, ये इधर वाला माइनस में होता है, 4, 5 और 6, ठीक है। इधर भी लिखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर भी आप लिखिए माइनस नहीं, इधर पॉजिटिव होता है 2, 3, 4, 5 और यहाँ लिख देते हैं हम 6। यहाँ देखिए, जब x बराबर 0 तो y बराबर 6 यहाँ हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। और जब x बराबर 3, x ये x वाला पार्ट है और ये y वाला पार्ट है, ठीक है, ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है, इधर माइनस x हो जाएगा, इधर माइनस y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब x बराबर 3 तो y बराबर 0। देखिए, इसको समीकरण से एक ठो यहाँ बाहर मिला, एक ठो यहाँ पॉइंट से बाहर, ये दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इससे बनाइए, जब x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 2, और जब x बराबर 1 तो y बराबर 0, एक यहाँ मिला। इसको एक काम कीजिए, आप ऐसे खींच दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। यहाँ आप देखिएगा, ये जाहिर से बात है, यहाँ पहले उसमें भी बताए थे कि ये देखिए, हम लोग बिना ग्राफ खींचे भी बता दिए थे कि क्या है, लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इसीलिए तो संगत था। तो यहाँ पे लाइन एक दूसरे को क्या किया है, प्रतिच्छेद किया, यानी कि ये शायद 2 पर मिल जाए x का मान, और y का मान किस पर मिल जाएगा, माइनस, यहाँ पे 2 पर मिल जाएगा, दोनों पर 2 पर ही दिख रहा है। आप ग्राफ पर बनाइएगा तो आपको सटीक उस पर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा। आपको बस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 डेटा तैयार कर लेना है, ठीक है। इस मटेरियल से हम लोग इसमें भरेंगे तो 2 लाइन मिलेगा। पहला इक्वेशन से हमको ये लाइन मिला था, और दूसरा इक्वेशन से हमको ये वाला, यहां से यहां सटा के आगे खींच दिए, ये वाला लाइन मिला था। पता चला कि दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके आपस में मिला है, साथ में है, इसलिए ये लाइन क्या कहलाएगा, ये ग्राफ ही आपका संगत होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हम लोग के अंदर मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो फिर हम लोग बिना देर किए अब क्वेश्चन देखते हैं, आपका 4 नंबर, आखिर ये क्या क्वेश्चन करा, जगह तो रहा नहीं, इसको हम लोग इरेज करके और उसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ फिर से वही काम, 4 नंबर चेक कर रहे हैं कि आखिरकार 4 नंबर आखिर ये क्या कह रहा है, और इस अगर ये संगत होगा तो इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ विधि द्वारा बनाएंगे। अगर ये असंगत होगा, मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट होगा, तो हम उसका ग्राफ नहीं खींचेंगे, लेकिन आप खींच सकते हैं, ठीक है। अगर आपको खींचना है तो आप खींच सकते हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं, सबसे पहले A1 A2 के हिसाब से। A1 कितना दिया है, A1/A2, ठीक है। यहाँ B1/B2 भरेंगे और यहाँ पे C1/C2 भरेंगे। A1 है 2, A2 है 4, B1 है -2 और B2 है -4, C1 है -2 और C2 है, यहाँ C2 ये है -5, ठीक है। ये इसको आप चाहे तो कटा सकते हैं, 2 × 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 4, ये माइनस से माइनस कटेगा। आया कितना, 1/2 = 1/2 = 2/5, ये वाला बराबर एक नहीं है, देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है इसीलिए बराबर है। अब बताइए इस कंडीशन में ये किसका रूल है, ये है समानांतर का रूल। समानांतर का रूल होता है A1/A2, यानी पहला वाला दूसरा वाला के बराबर तो हो, लेकिन तीसरा वाला बराबर हो ही नहीं। तो ये किसका है, ये इस कंडीशन में क्या होता है कि ये क्या होता है, रेखा क्या हो जाता है, समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि आपको इसलिए यह क्या है, असंगत है। यहीं पे पता चलेगा कि यह क्या है, असंगत है।
ठीक है। तो जब ये असंगत है, ये बोला था कि अगर संगत है तो इसका सोल्यूशन आप ग्राफीय विधि द्वारा कीजिए, लेकिन ये तो असंगत है, लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि ये नहीं बनेगा। जब आप बनाइएगा, ग्राफ खींचिएगा, तो ये क्या है, समानांतर लाइन ना आएगा, क्योंकि ये असंगत है। तो एक लाइन ऐसे आएगा, फिर दूसरा लाइन ऐसे आएगा, कहीं सटेगा ही नहीं, सटा नहीं है, इसीलिए कहीं साथ में नहीं, इसीलिए असंगत है, संगत तो नहीं है, कहीं साथ में नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन इसमें अगर एक बचा है तो आपके लिए होमवर्क के रूप में इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बिना देर किए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो पढ़ लिए, अब 5 नंबर देखते हैं, ठीक। 5 नंबर है 3.2 का, जो 4 तक हम बता चुके हैं आपको, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज है, कुछ इसमें टॉपिक जान लें। सबसे पहले अगर आप कभी कुछ नहीं पढ़े हैं, आयत क्या होता है, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ये क्या होता है, एरिया कैसे निकलता है, परिमाप कैसे निकलता है, वही जिसको परिमिति, या देखिए यहाँ जो परिमाप पेरीमीटर है, पेरीमीटर का नाम परिमिति होता है, परिमाप होता है, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक फिगर हमने बनाया, सपोज ऐसे फिगर, इसका नाम है आयत, रेक्टेंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो, यानी परिमाप निकालना हो, तो प्रत्येक लाइन को माप दीजिए और लिख दीजिए, वही हो जाएगा परिमाप, ठीक है। परिमाप अगर निकालना हो, परिमाप, तो सब लाइन को, प्रत्येक लाइन को जोड़ नाप लीजिए कितना है और उसको लिख दीजिए, वही हो गया परिमाप। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, परिमाप का मतलब होता है मेढ़ी, साइड में जितना भी मेढ़ी है, मेढ़िया को नाप लीजिए कितना में है, ठीक है, उसको क्या कर दीजिए, वही हो जाएगा परिमाप। जब आप किसी खेत को खरीदने जाते हैं, ठीक है, मान लो कोई जमीन, जमीन आप खरीदने जा रहे हैं, तो आप क्या खरीदते हैं, आप उसका क्षेत्रफल खरीदते हैं, यानी कि वो कितना, ये पूरा जमीन खरीदते हैं, ये जितना भी दूर में भी जमीन है, ये सब जमीन वहाँ खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका आप परिमाप खरीदते हैं, जाके मेढ़ी खरीदिएगा, अब मेढ़ी खरीदते कोई बेचेगा जी आपको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा एरिया उसका खरीद लेते हैं, पूरा क्षेत्रफल ही खरीदते हैं। तो देखिए, ये पूरा जितना दूर में है, ये सब क्षेत्रफल हो गया इसका, ठीक है। और परिमाप क्या हो गया, यानी पेरीमीटर क्या हो गया, तो साइड साइड से ये जितना है, खेत के मेढ़ी की लंबाई को हम लोग परिमाप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला मेढ़िया है 4 मीटर और ये वाला है आपका 2 मीटर, तो जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो यहाँ से यहाँ 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, इसका पूरा का पूरा मेढ़ी की लंबाई 12, इसी को तो पेरीमीटर यानी परिमाप कहते हैं, ठीक है। अब यही अगर बोल देगा पेरीमीटर हमको खरीदना है, तो ये हो गया आधा पेरीमीटर, क्या हो गया, तो देखिए, तो आधा को जोड़िए, सिंपल, ये और ये रखिए, ये मत रखिए, आधा मतलब ये और ये रखिए, ये वाला छोड़ दीजिए, आ नहीं तो पूरा पेरीमीटर निकाल दीजिए, आ किसी भी चीज का आधा करते हैं ना, तो उसको नीचे बट्टा 2 लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है, बट्टा 2, 2 लगा देने से ऊपर वाला चीज आधा हो जाता है, यानी देखिए 12 है ना, तो कटेगा तो 2 6 12, 12 का आधा 6 हो गया कि नहीं। अगर आप फुल दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको बीच से 2 टुका करना हो, खाली नीचे 2 लगा दो, माना कि आप 2 टुका हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि परिमीटर, यानी भी यहाँ पे हाफ बोला है, इसीलिए आपको बता दिए। अब यहाँ पे समझ गए होंगे परिमाप क्या होता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बोला है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर यानी आयत टाइप का, आयतकार एक गार्डन है, ठीक है, एक आयतकार गार्डन का आधा परिमाप दिया है इधर। अब देखिए लैंग्वेज सुटेबल समझिएगा, यहां से यहां कमा डाल दिए, उसके बाद कमा यहां से शुरू किया है, ठीक है, इसका मतलब इसका जो आधा परिमाप है वो कितना है, ये वाला है 36 है, यानी कि हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप कितना है 36 मीटर है, ध्यान रखिएगा, ये आपको चीज पता होना चाहिए। कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब यहां समझिएगा, कह रहा है कि जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। आप थोड़ा सा समझिएगा, ये है लंबाई, लंबा है तो यही है चौड़ाई, ये दोनों में बड़ा कौन होगा, जाहिर सी बात है लंबाई बड़ा होगा, तो कितना बड़ा लंबाई है, देखिए जितना चौड़ाई है ना उसमें 4 मीटर ज्यादा कर दीजिएगा तो लंबाई मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि चौड़ाई हमको पता है 2 मीटर, कितना मीटर है, यहां से यहां तक 2 मीटर है, तो लंबाई इससे 4 मीटर ज्यादा है, तो जब 2 मीटर है तो इससे 4 मीटर ज्यादा कीजिएगा, तो 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 6 मीटर ये लंबाई हो जाएगा। और वैसे ही क्या करेंगे, चौड़ाई जो भी होगा इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम लंबाई मान लें, माना कि लंबाई चौड़ाई पहले कोई भी मान सकते हैं, माना कि आयतकार, आयतकार
बगीचे की लंबाई क्या हो जाएगा एक्स। इन यहाँ लेट बी रेक्टेंगुलर, यहाँ पे क्या गार्डन द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे चौड़ाई क्या हो जाएगा, तथा चौड़ाई इक्वल टू ले लीजिएगा यहाँ पे वाई, ठीक है। यहाँ लिखिए प्रश्न से, अब एक चीज और आप एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, या लिखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से क्या बोला गया है कि जो लंबाई है ये वाला लंबाई कैसे मिलेगा चौड़ाई में, यही ना चौड़ाई है, चौड़ाई में अगर यानी इसमें चार मोर देने यानी अधिक कर दें, चार को ज्यादा अगर करेंगे तो क्या मिल जाएगा लंबाई, तो चौड़ाई यही है आपका। चौड़ाई में अगर आप चार ज्यादा कर दिए तो क्या मिलेगा लंबाई, लंबाई क्या है एक्स है, ठीक है। ये देखिए इससे एक समीकरण बन जाएगा, देखिए चौड़ाई में चार ज्यादा किया तो किसके बराबर है लंबाई के बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगा जब चौड़ाई में चार जोड़ेंगे तो। अब इसको प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में हो गया फोर, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बना एक, ठीक है। यहाँ पे जब इक्वेशन एक बन गया तो दूसरा समीकरण तो बनाना पड़ेगा, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि इसमें हमेशा दो समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगा और उन दोनों से दो लाइन मिलेगा ग्राफ में, ठीक है। इसको हम क्या माने हैं एक्स माने हैं, लंबाई को एक्स माने हैं, चौड़ाई को वाई माने हैं। यहाँ देखिए परिमाप क्या दिया है, परिमाप दिया है आपका 36, तो यहाँ लिख दीजिए परिमाप होता है आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, ठीक है। अब बताइए कि परिमाप यहाँ पे कितना दिया है, अर्ध परिमाप 36, एक मिनट, अर्ध परिमाप दिया है ना तो भाई पूरा परिमाप है, और इसको बटा 2 कर दीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, P बराबर बचेगा L + B। इसको क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। आप इसको अर्ध परिमाप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप L + B हो जाएगा। अब बताइए अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, लंबाई को क्या माने हैं x, चौड़ाई क्या माने हैं y, समीकरण हो गया 2। इसको सीधा करके आप लिख दीजिए x + y, क्योंकि ये सीधा है x + y = 36, इसको मानिए 2, ठीक है। अब बताइए समीकरण एक हमको मिल गया, समीकरण दो मिल गया, यही तो हमको चाहिए था। समीकरण एक x - y = 4 समीकरण एक ये हो गया, और x + y = 36 समीकरण दो ये हो गया। और जब दो ठो समीकरण हमारे पास मौजूद हो तो ग्राफ खींचना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो अब तक इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और हम इसको मिटा करके इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए समीकरण हमको याद रखना है, बाकी सब ग्राफ खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। यही है आपका समीकरण, इधर लिखते हैं साइड में, इधर x - y = 4 और x + y = 36, ठीक है। ग्राफ ध्यान से समझिएगा, अब देखिए यहां हम ग्राफ खींचते हैं, ये वाला y है, ऊपर से नीचे y लिखाता है, ये माइनस में y हो, ये प्लस में y होता है और ये वाला माइनस में y होता है, इसको मानिए x, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, ये वाला x प्लस में इधर होता है आपका माइनस में, बहुत लोग x डैश भी लिखते हैं, बीच में होता है 0, 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, एक समीकरण से सॉल्व करके जो भी डेटा मिलेगा एक डब्बा में इकट्ठा करेंगे ताकि ये इधर भरना है। x - y = 4 एगो डब्बा बना लें यहाँ पे, बहुत बड़ा डब्बा बना ले रहे हैं एक्स और वाई। एक्स का मान 0, यहां अगर एक्स का मान हम 0 भरेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर 4 लेकिन माइनस में, वाई बराबर 4। अब वाई का मान 0 रखिएगा तो खत्म हो जाएगा, एक्स बराबर 4 बचेगा। हम सॉल्व नहीं किए हैं, डायरेक्ट बना दिए हैं। अब ये समीकरण एक था, अब समीकरण दो से देखो क्या मिलता है, समीकरण दो से ये था, समीकरण एक से प्राप्त हुआ था ये मिला है आपको। देखिए देखिए ये कैसे, जब जो चीज़ हम इरेज कर दिए हैं मैंने मिटा दिए हैं उसके बाद से ये लैंग्वेज लिख के पूरा डेटा ये निकाल लीजिएगा, उसके बाद ग्राफ खींचेगा, वो आपके पास ग्राफ का कॉपी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण दो x + y = 36, यहाँ अपने से अगर 0 भरिएगा तो देखिए 36 बचेगा, इसमें 36 बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, यहाँ देखिए 36 अगर लेना है तो यहाँ हम एक काम करते हैं, x का मान कुछ अलग भरते हैं, x का मान हम 10 भरते हैं, 10 भरेंगे तब वो कोई बात नहीं, घटाना पड़ेगा, 11 भरते हैं, तब एक काम करते हैं x बराबर 10 ही भरते हैं, तो अगर 10 भरेंगे तो यहाँ x = 10 + y,
अब आप ये मत सोचिएगा कि आप जीरो क्यों नहीं भरे, जब हम जीरो भरेंगे इसका तो वाई बराबर 36 हो जाएगा। अब वाई इसमें 36 आने तक बहुत लंबा हो जाएगा, मान लीजिए कि वाई इसमें भरना है, प्लस वाला 36 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 36 बहुत लंबा हो जाएगा। अगर 5 का भी टेबल पढ़ेंगे तो 5, 36, 5, 37, 35, 45, 48, 8 बार लिखना पड़ेगा, 10 का लेंगे तो जाके हो जाएगा, लेकिन परेशानी हो जाएगा। चलिए अगर आपको ऐसे भी संतुष्टि नहीं मिलता है तो हम लोग जीरो ही भरते हैं, सही रहेगा, क्योंकि हम लोग सब में वही भर है तो वही सही रहेगा। एक डब्बा बनाते हैं, x बराबर हम भरते हैं जीरो, जब x बराबर जीरो तो खत्म हो जाएगा, y बराबर 36 मिलेगा। और जब y का मान जीरो भरिएगा तो इसका मान यहाँ पे हटा के जब जीरो भरिएगा तो ये तो खत्म हो गया ना, जीरो में x क्या जोड़ेंगे, x बराबर खाली 36 बचेगा, x बराबर का मिला 36। आइए इधर ग्राफ देखते हैं, 10 का अंतराल लेते हैं, 10, 20, 30, 40, ये भी 10, 20 माइनस में इधर होता है 30 और ये हो जाएगा 40, ये भी आपका 10, 20, 30, 40 ठीक है। ये इधर भी ले लेते हैं, -10, -20, -30, -40। अब देखिए इसको वैल्यू को पुट कीजिए, एक्स बराबर जीरो तो y बराबर -4, माइनस वाला ये है तो -4 आप कैसे लीजिएगा, 0 से 10 के बीच में होता है 5 ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4, इसको हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा ठीक है। अब x बराबर 4 तो ये इसके बीच में हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 4 ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए अगर मन है तो, हो गया, इससे खींचिए, x बराबर 0, जीरो तो दोनों यहाँ पे, और y बराबर 36, तो 30 और 40 के बीच में 35 होता है, और थोड़ा सा इसके साइड में ले लीजिए 36 ठीक है। वैसे ही x बराबर ये हो गया, यहाँ पे एक मिनट, x बराबर 0 तो y बराबर 36 इधर होगा, 35 और एक यहाँ पे 36 यहाँ पे हो जाएगा, और ये वाला x बराबर 36 यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों को मिला दीजिए। जब ये दोनों को मिलाइएगा तो देखिए हमको एक्स वाई का वैल्यू दो तरीका से निकाल सकते हैं, यहाँ बहुत ही लॉजिकली समझना है, देखिए कैसे आया है, जहां कटा है यहां पे कटा है ना, तो यहां पे कटा है तो इसके नीचे देखिए एक्स वाला, ये एक्स वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है एक्स, तो नीचे देखिएगा एक्स वाला पार्ट पर, तो ये 20 पर जाकर मिल रहा है, यानी एक्स का मान 20 लग रहा है हो जाएगा ठीक है। इधर जब देखिएगा तो ये देखिए कहां मिल रहा है, देखिए दोनों के बीच में मान लीजिए 15 यहां पे, ये अगर साइड में चला जाएगा तो थोड़ा सा आगे जा रहा है, 10 और 20 के बीच में 15, अब 15 के एक छोटा सा ऊपर 16 हो जा रहा है, यानी ऐसा लग रहा है y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, कटा है तो भी निकल जाएगा। आ नहीं तो एक और उपाय आपको बता रहे हैं, x बराबर मान लीजिए हमको 20 मिल गया, तो x आप क्या माने हैं, लंबाई, तो आप बताइए कि लंबाई हमारा आ गया 20 और चौड़ाई कितना था, यहाँ पे देखिए अगर हमारा लंबाई है x बराबर 20 तो यहाँ ले जाके जब 20 भरेगा इसको इधर भेजेगा तो 20 में से 4 जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस कटने पर 16 आना ही। तो अभी आपको एक चीज हम बताए थे कि चौड़ाई से 4 गो ज्यादा क्या है लंबाई है, तो एक मतलब ये 20 गो हो गया 4 गो जोड़ने के बाद, तो 4 गो कम कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा सही है कि यहाँ पे क्या होगा वाई बराबर, ग्राफ सही जाके मिला है ठीक है, यानी एक्स बराबर 20 और वाई बराबर आपका 16 आ जाएगा। भर के भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन उम्मीद करते हो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, किसी समस्या से भागिए मत, जितना समस्या से भागेगा समस्या आपका पीछा करेगा, डट के मुकाबला करना है लाइफ में, सबके पास समस्या है भाई, आपको अभी पढ़ रहे हैं तो आपके पास पढ़ने का टेंशन है कि कैसे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई कोई टेंशन नहीं है ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करिए, रिजल्ट दीजिएगा, गार्जियन आपसे खुश रहेंगे, आपके मम्मी पापा अगर खुश रहेंगे तो आपका जिंदगी हमेशा हैप्पी रहेगा। तो फिर बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, अगर आप फिर से एक बार और आपको बता दें कि अगर आपको डेटा एक दिए थे कैसे वो समपाती होगा, कैसे वो इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेदी होगा, कैसे वो पैरेलल होगा, समानांतर होगा, कोइंसिडेंस होगा, ये सब अगर आपको पता है तो उस हिसाब से देखिए आप थ्री लेसन में कहीं नहीं फंसेंगे
ठीक है, एक जगह आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है, यही दो बात बोला गया है। बोला गया है कि गिव द लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण दिया हुआ, जो भी रैखिक समीकरण है, ये रैखिक है नहीं, जिसका पावर एक होता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो इसका तो पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, पावर एक है। ये समीकरण दिया हुआ है एक ठो, अब बोला जा रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मेट इज। कह रहा है कि एक ठो यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया है, वो इक्वेशन क्या है थोड़ा सा बड़ा में लिख देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और कह रहा है कि दूसरा आप एक ऐसा इक्वेशन लिखिए, मान लीजिए कि ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, तो a1 बटा a2 होता है ना, b1 बटा b2, c1 बटा c2, ऐसे तो होता है। जब ऐसे होता है a1 बटा a2 यानी, तो दूसरा एक ऐसा अपने से अपने दिमाग से सोच के समीकरण लिखिए कि लिखने के बाद a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, अगर ये रूल लगा रहे हैं तो प्रतिच्छेदी होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग का रूल क्या होता है, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखिएगा, हम जानते हैं कि वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि हम इंटरसेक्टिंग पहले बनाना है, अपने से एक ऐसा समीकरण लिखना है कि इसको बट्टा में करने के बाद पता चले कि ये इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी लाइन के लिए क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ए वन बट्टा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू होता है। इस प्रकार इसका समीकरण, इस बार इसका समीकरण क्या हो सकता है, तो आप बताइए। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा अपने से ऐसा बने कि यहां पे दो है, तो यहां नीचे ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां आप लिख सकते हैं 3x, इस प्रकार 3x प्लस, यहां लिख सकते हैं 2y माइनस, यहां कुछ भी लिख दीजिए, यहां 3 लिख दीजिए बराबर में 0। ये एक समीकरण हो जाएगा कि नहीं, देखिए। तो a1 बटा a2 अगर आप यहां पे लिखेंगे, बताइए इस प्रकार इसका समीकरण, इस प्रकार इसका दूसरा समीकरण लिखेगा, दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, अपने से कुछ भी लिख देना है। जैसे यहां लिखिएगा a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, a1 क्या है 2 बट्टा 3 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बट्टा 2। देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये जब बराबर नहीं है तो इसका समीकरण यही ना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही समीकरण होगा, ठीक है, आप दूसरा भी भर सकते हैं, बस ये वाला, ये मतलब ये वाला दोनों हिस्सा और ये दोनों हिस्सा, दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हो जाता है ना कि 2x प्लस 3y माइनस 8 हो जाए, अगर यहाँ पे लिख दें यहाँ पे 4x और यहाँ पे हम लिख दें 6x और यहाँ पे लिख दें 16, तो ये क्या होगा, a1 बटा a2 2 बटा 4 3 बटा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा 16, दो दून यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा, दो तिहाई 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 8 दूना 16। यहाँ देखिए यहाँ भी नीचे 2 आया, नीचे 2 आया, नीचे, तो ये तो सब आपस में बराबर हो गया। तो ये जब सब आपस में बराबर हो गया, ये इक्वेशन आपके किताब में जो दिया है वो है, ये हम अपने से एक इक्वेशन माने, ऐसा माने कि सब कट के आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया। तो जब सब आपस में बराबर होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोइंसिडेंस लाइन होता है ना, यानी कि समपाती लाइन होता है ना। तो वैसे भी तीन नंबर क्वेश्चन तो हम ऐसे ही बना दिए, ठीक है, एक समीकरण दिया हुआ था, दूसरा समीकरण अपने से भर दिए, ऐसा समीकरण भरे कि कटने के बाद सबका आया सेम आया, तो ये तो इक्वेशन अपने से कोई एग्जांपल ये भी हो जाएगा इसका। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ऐसा एग्जांपल एक तो दिया था, दूसरा ऐसा एग्जांपल देना था कि ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं हो, तो ये हम अपने से भर दिए, देखिए कि बराबर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है कि ये पैरेलल, तो पैरेलल में इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पैरेलल में क्या लीजिएगा, पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन आपका मेन वाला है, दिया हुआ है क्या आपका है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो पैरेलल में आप क्या जानते हैं, समानांतर कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2, दोनों बराबर होता है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, तो वो लाइन क्या होता है, वो लाइन पैरेलल होता है। तो यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर इज नॉट इक्वल टू सी वन बट्टा सी टू, ये होता है, अगर ये सी वन बट्टा सी टू है तो
इस प्रकार से ग्राफ की रेखाएं क्या होता है, समांतर होता है, समांतर होता है, पैरेलल समांतर होती है। तो देख लो इसको, रूल को फॉलो कर दो, ऐसा भरो, ऐसा इसमें इक्वेशन ये दिया है जो ये दोनों बराबर, यहाँ दो है ना, तो दो दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रकार का समीकरण, यहाँ पे इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं, दो है तो यहाँ पे चार एक्स लिख दीजिए, दो दूना चार, तीन है तो तीन दूना छः, ताकि दुए बार में कटे, तीन दूना छः वाई आई, लास्ट वाला ऐसा भरे कि कटे नहीं कोई भी नंबर, एक काम कीजिए ना, नौ भर दीजिए नहीं कटेगा, इस प्रकार इतना बराबर जीरो। ये समीकरण से रेखा क्या होगा, समांतर होगी, समांतर होगी, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है विश्वास तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ए वन बट्टा ए टू मतलब कि दो बट्टा चार बराबर तीन बट्टा छः इज नॉट इक्वल टू माइनस आठ बट्टा नौ। देखिए तीन दूना छः, दो दूना चार, तो एक बट्टा दो यहाँ भी आया, एक बट्टा दो यहाँ भी आया, एक नौ है, नाइन है यहाँ पे, ठीक है, माइनस से माइनस कट के यहाँ पे आया आठ बटा नौ। पहला वाला बराबर है बट दूसरा वाला बराबर नहीं है, तो ये रूल को फॉलो कर ही रहा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अभी इक्वेशन दे दिया है, ऐसा कीजिए कि सब कट के नीचे एक ही जैसा चीज़ बच जाए, तो दो है तो दो, दो दूना चार, चार यहाँ लिखिएगा, यहाँ तीन दूना छः लिखिएगा, आठ दूना सोलह, सबको कटाइएगा तो क्या भैया दो ही बार में कटेगा, ऐसा भरिए कि सबके नीचे बराबर जाए, जब सब आपस में बराबर हो जाएगा तो वही अपने से तो बोला था क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है अनोदर, तो मेरा लीनियर इक्वेशन एक एक यहाँ पे सेकेंड वाला का बन गया, फर्स्ट वाले का यहाँ पे बन गया, थर्ड वाला आप खुद से बनाइएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, तो अब फिर इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। देखिए इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने आ गया, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने आ गया तो समझ जाइए कि आपसे ग्राफ में कहीं परेशानी नहीं होगी। और इक्वेशन सॉल्व होगा कैसे, देखिए इक्वेशन में दो ठो वैल्यू हमेशा दिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स का मान अपने से भरिएगा वाई निकल जाएगा, ठीक है, यही हम लोग काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ, एगो ग्राफ को बनाना है, ग्राफ खींचिए, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ दो ठो इक्वेशन दिया है, आपसे कई बार बता चुके हैं हम कि देखिए कभी भी ग्राफ जब हम लोग खींचते हैं तो उसमें होता क्या है कि दो ठो इक्वेशन दिया रहेगा, एक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे और उस इक्वेशन को इस पर खींचेंगे तो एक लाइन खींचाएगा, और फिर इसको बनाएंगे तो दूसरा लाइन खींचाएगा, ये दोनों लाइन देखेंगे कहाँ एक दूसरे को काट रहा है या क्या कर रहा है देखते हैं। यहाँ दो ठो इक्वेशन दे दिया है और इसको क्या करना है कि यहाँ पे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाई दिस लाइन एंड द एस एक्सिस एंड सेड द ट्राइंगुलर रीजन। यहाँ बताना है कि ये दोनों से एक ऐसा कोऑर्डिनेट यानी ऐसा यहाँ पे ज्योमेट्री यहाँ पे आप खींचिएगा, एक ऐसा ज्यामिति आकार खींचिएगा कि जब वो दोनों लाइन खींचाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ हो गया, पहला वाला लाइन हम ऐसे आ गया और दूसरा वाला ऐसे आ गया, तो एक्स अक्ष पर यानी एक्स एक्सिस पर एक त्रिभुज सा बन रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो जो बन रहा है उसको हम लोग क्या कर देना है कि साइड कर, मतलब साइडो बना दें, इसका छाया से प्रतिलिपि यानी कि सॉरी इसको पेंट समझो तो हम लोग कर देना है, ठीक है, छायांकित कर देना है जो ये बनेगा, एक इधर, तो एक्स अक्ष पर जो भी हमारा बनेगा फिगर उसको छायांकित कर देना है, इसी को बनाना है। तो ये बिना देर के सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लें कि होगा क्या वो। देखिए इक्वेशन हमारा है, पहला इक्वेशन यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस में एने जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस में, ये समीकरण आप एक मानिए, ठीक। अब उसके बाद से 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, समीकरण सही से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में 12, समीकरण दो। अब समीकरण एक को लेके बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, यहां लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस वन, जो भी मिलेगा इस डब्बा में इकट्ठा करके रखेंगे, और अपने से देखिए कोशिश ये कीजिए कि x और y का मान जीरो भरिएगा तो जल्दी मिलता है,
एक्स का मान आप जीरो भरिए, कुछ भी भर सकते हैं लेकिन हम जीरो भर रहे हैं। जब एक्स का मान यहाँ जीरो भरिएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस वन। जीरो लिखने से कोई फायदा, जीरो में से माइनस वाई थोड़े ना घटता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर वन आया। जब हम एक्स का वैल्यू जीरो रखें तो वाई का मान वन आया। अब हम भरते हैं एक्स, अब वाई बराबर एक बार जीरो भरते हैं, y बराबर जीरो भरेंगे तो x माइनस y का मान क्या भरना है जीरो बराबर माइनस वन, तो x बराबर माइनस वन आएगा। जब y का मान जीरो तो x बराबर माइनस वन, ये जीरो नहीं लिखा जाता है इसीलिए ये हट जाता है, खाली क्या बचेगा x बराबर माइनस वन। ये समीकरण एक से मिला। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समीकरण दो से क्या मिलता है। ठीक है, एक ठो हमारा जो भी है पूरा का पूरा हम लोग इकट्ठा कर लिए एक समीकरण से अपना मेटेरियल, समीकरण दो से अब देखते हैं। समीकरण दो क्या है, तो यहाँ पे है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यही दो है। एक बार x बराबर जीरो भरिए, यहाँ पे डब्बा बना के हम रखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को काम आएगा ये डब्बा। डब्बा थोड़ा सा बढ़िया से बनाइएगा, अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए डब्बा तो तैयार हो गया है, अब बच गया हम लोग का मेहनत, इसमें काम करना है। x बराबर जीरो, थ्री एक्स का मान हम जीरो भरेंगे और 2y इक्वल टू 12, जीरो में तीन से गुणा कीजिए तो जीरो हो जाएगा। जीरो कैसा नंबर है जिसमें किसी अंक से गुणा करो अपने जैसा बना देता है, तो जीरो हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 12, दो छक 12, y बराबर 6। जब x का मान जीरो भरे तो y बराबर 6 मिला। अब y बराबर जीरो भरो, ठीक है, तो एक बार y बराबर अगर जीरो भरिएगा तो 3x प्लस 2, y का मान जीरो भरिएगा तो ये खत्म हो जाएगा और हो जाएगा 3x इक्वल टू 12, तीन चौका 12, x बराबर हो जाएगा आपका 4। जब y का मान 0 तो x बराबर 4। अब हमारे पास ये दो ठो डेटा यानी डब्बा इकट्ठा हो गया है जिसमें पूरा का पूरा हमारा जो भी जरूरत का सामान हमारे पास मौजूद है। अब बस बम फोड़ देना है, इधर देखिए कैसे इससे हम लोग एक ड्रॉ करते हैं ग्राफ। x का मान 0, x और y दोनों ही वहाँ 0 होता है, तो y बराबर हो जाएगा 1। तो देखिए इसके यहाँ से यहाँ 2 है तो एक बीच में 1 हो जाएगा, यहाँ पर मिला, ठीक। x बराबर माइनस एक, ये दो है तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक, ठीक है, मान लीजिए कि माइनस एक माइनस दो। अब y बराबर जीरो, यानी एक बाहर ये मिला और एक ये मिला, ये दोनों को मिला दीजिए, मिल गया। अब तनि बड़का सा खींच दीजिए, अच्छा दिखेगा, ठीक है, मिल गया। अब एक काम करते हैं, x बराबर जीरो और y बराबर छः, x बराबर चार और y बराबर जीरो, जीरो तो यहीं पे होगा, ये x है, याद रखिएगा ये x है, ये माइनस वाला x है, बहुत लोग इसे x डैश भी कहते हैं। ये y है और ये माइनस वाला y है। अब बताइए एक ठो मिला चार पे, एक ठो मिला छः पे, ऐसे खींचिए इसको, ना मिला गबड़ा गया, बढ़िया से मिलाइए इसको ऐसे। अब बताइए कि बोला है कि x अक्ष पर कहीं त्रिभुज बना है, तो लाइन है x वाला है, इस पर है त्रिभुज बना है नहीं, यहाँ पे इसी लाइन को हम लोग को क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से देखना चाहेंगे तो यहाँ देख लीजिए, ये वाला और ये वाला कहाँ मिल रहा है, ये दो पर कटा है, x का मान यहाँ दो है और y का मान यहाँ तीन है। ये पूछा नहीं है डायरेक्ट, यहाँ पे पूछा है ट्रायंगुलर शेप है तो इसको ऐसे पेंट कर दीजिए। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था, दो ठो समीकरण दिया था और इसे क्या करना था, एक फिगर बना देना था, ग्राफ खींच देना था, और ग्राफ खींचने के बाद इक्वेशन हम सॉल्व करके ग्राफ खींचे, और जो बोला था कि एक्स अक्ष पर कोई ट्रायंगुलर बनेगा तो एक्स वाला लाइन पर एगो त्रिभुज बना है, इसका जो शीर्ष है, ठीक है, वर्टेक्स जो है यहाँ पे देखिए, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला और एक यहाँ, तीन ठो मिला है, जिसमें ये हो जाएगा 2.3 पर एक वर्टेक्स ऊपर वाला हिस्सा मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो बने रहिएगा ज्ञापन एकेडमी के साथ। अगर समझ में आएगा तो इसको शेयर नहीं कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि क्लास टेंथ के विद्यार्थी जो भी है इससे पढ़ करके इसका बेनिफिट उठा सके। अकेले मज़ा नहीं लेना, मज़ा सबको आना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज में बहुत ही धमाकेदार और अच्छा अच्छा ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।